वेलकम टू हमके गार्डन। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माफ़ करिएगा बोलने में जब भी गलती हो जाए। तो मैं आज अपने गार्डन में कुछ वर्क कर रही हूँ, तो आप लोगों को बताऊँ कि देखिए अभी शाम के टाइम के 4:30 हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, एक भी हवाएं नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है फ्रेंड, और ऐसा लग रहा है फिर से बारिश आने वाली है। तो देखिए मैंने आज अपने गार्डन में कुछ काम है तो आप लोगों को दिखाऊंगी, आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं जी फ्रेंड। ये न गर्मी न सर्दी न बरसात, इन पौधों को कुछ नहीं होता। आप ये वाले पौधे लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और कुछ डालिए या ना डालिए, प्लास्टिक बोतल में देखिए लगे थे कितने अच्छे चल रहे हैं। तो मैंने इनकी सभी जितनी लिप्स थी ग्रोथ, मैंने सभी लिप्स कट दी है, अब बस थोड़ी थोड़ी लिप्स रखी हुई है। ये देख लीजिए कितने सारे बेबी निकाले हैं एक ही तरफ से, बेबी कुछ कहने को नहीं, कितने इनसे प्लांट बन सकते हैं। ये देख लीजिए फ्रेंड इनके ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई है, इनके कांटे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, जैसे ही कुछ करने लगो देखो हाथों में इतना छीला छीला सा हो गया है, जैसे कुछ कहो तो ये कांटे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए मैं इनके कुछ लिप्स को हटा दे रही हूँ फ्रेंड। और ज़मीन में अगर ये ज़मीन होना तो ज़मीन में ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं, और ये सही पूछो तो ये पौधे ज़मीन के ही हैं। हमने इनमें गमले में लगाया हुआ है तो बहुत जगह भी लेते हैं ये और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, देख लीजिए फ्रेंड। तो इसीलिए मैं आज इन सबको काट करके इनकी लिप्स हटा दे रही हूँ, थोड़ी थोड़ी रखूँगी ताकि दूसरे गमले इनके साथ एडजस्ट हो जाए, नहीं तो ये जगह बहुत लेते हैं और मेरे छत में जगह की बहुत कमी है। इनके इतने बेबी निकले हैं फ्रेंड, मैंने बहुत सारे लोगों को दे दिया है और अभी भी इनके बहुत, इस टाइम बरसात के टाइम तो और बहुत ज़्यादा निकले। अगर आप लोगों को चाहिए इनके बेबी तो आप भी ले जा सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ से कितने सारे बेबी निकाला है, ये देखिए। और ये हमारे फ्री के पौधे हैं, हमने इनमें एक भी रुपए नहीं खर्च किया है कि पैसों में इनको लगाया है, ये फ्री के पौधे हैं हमारे और एक से हमने इतने बनाया हुआ है। अब मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जगह की कमी है, तो इनकी सारी लिप्स हटानी पड़ रही है। वैसे तो देखिए कितने सारे, कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन क्या करूं, नीचे से हो जाएगी कटिंग तो ऊपर की ओर दिखने लगेगा और मिट्टी में थोड़ी गुड़ाई उड़ाई करते बनने लगेगा, ऐसे बनते ही नहीं है कुछ करते, और कांटे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो आज मैं यही करने वाली हूँ। ये देख लीजिए फ्रेंड कितने बेबी निकले हैं, सभी को कट कर दूँ, अभी इधर साइड रखे हैं, इसको कट कर दिया है और इसको सभी को कट करके फिर दिखाती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड फाइनली मैंने इनको कट करके फाइनल कर दिया, और मैंने सिर्फ इतनी इतनी ही लिप्स इनमें बचाई हुई है, ज़्यादा नहीं बचाई है, ये देख लीजिए, और इतना इतना मैंने कट कर दिया। अब इसमें मिट्टी में, इस गमले में मिट्टी डालूंगी और नीचे नीचे हमारे छोटे छोटे कोई ना कोई प्लांट आसानी से हो जाएंगे तो और सुंदर लगेगा फ्रेंड, है ना? ये देख लीजिए, और ये बोतल में लगे हैं सब, तो इनको बोतल से मैं निकाल के इसी तरह के गमले में लगाऊंगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए बोतल में कोई स्पेस ही नहीं है, ना जगह है, इनकी ग्रोथ आप लोग देखिए, ये मेरे गमले प्लास्टिक बोतल में लगे हुए हैं और इनकी ग्रोथ आप देखिए, इतनी भयंकर ग्रोथ होती है कुछ कहने को नहीं। इतनी सारी मैंने बेबी निकाली हुई है इनसे, और आप लोग पत्तियां देखिए तो ये देख लीजिए, एक तसला फुल है पत्तियां से, अभी मैं तसले में भरूंगी। ये देख लीजिए इनकी इतनी सारी पत्तियां निकली हैं कट करने के बाद, और मैंने ऐसे इनको बना दिया है प्यारे प्यारे से, सुंदर लग रहे हैं अब ऐसे में, कुछ अच्छा लग रहा है, हवा भी जा रही है इनमें, देखने में भी सुंदर लग रहा है। वो पूरा झाड़ की तरह बना था तो कुछ ना दिखता था और ना ही मैं इसको कोई देखभाल भी कर पा रही थी, और इसको भी मैंने ऐसे ही कट कर दिया है। तो आप लोग बताइए आप लोगों को ये वाले प्लांट कैसे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं? अगर आप लोगों को चाहिए तो आप, ये देखिए इतनी सारी बेबी अभी निकाली हैं तो आप लोग ले सकते हैं, और इतनी गर्मी है कि पूछो ना। तो बाय बाय फ्रेंड, लव यू माय गॉड, लव यू फ्रेंड।